तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पकौड़ी। तो मैं बेसन की जगह पे हम लोग पकौड़ी में, ये आप लोग देख सकते हैं, चना का दाल एंड चावल मैं रात भर भिंगा कर रख दी थी। यह अच्छे से फूल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका हम लोग अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या होता है कि पकौड़ी अच्छा बनता है, कुरकुरा बनता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है दाल एंड चावल को। इसी में हम लोग क्या करेंगे, लहसुन भी डालकर पीस देंगे और बाकी का मसाला हमारे पास पाउडर है, तो लहसुन भी हम लोग इसी में डालकर अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चावल एंड चना दाल का मिक्सर पेस्ट अच्छे से तैयार है। इसमें मैंने लहसुन भी अच्छे से पेस्ट मिक्स कर दिया था और इसका पेस्ट हम लोग बना लिए हैं। तो अब चलिए अब हम लोग इसमें सारे मसाला मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल्दी को मिक्स करेंगे, फिर मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिक्स करूंगी। तो मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, तो आप लोग को जैसा तीखा पसंद है आप लोग उस हिसाब से मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा। फिर 1/2 चम्मच हम लोग धनिया पाउडर मिक्स करेंगे, फिर 1 चम्मच हम लोग जीरा पाउडर मिक्स कर देंगे इसमें। फिर हम लोग थोड़ा सा मरीच पाउडर मिक्स करेंगे, मरीच पाउडर ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो सारा मसाला मैं डाल चुकी हूँ, अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है, मैंने सारा मसाला भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक को डालेंगे, आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक को मिक्स कर लीजिएगा। तो मसाला तो मैं अच्छे से तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आलू और बैंगन का हम लोग पकौड़ी बना रहे हैं। तो मैंने बैंगन और आलू को इस तरह कट करके रख लिया था पहले ही। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले बैंगन का पकौड़ी बना लेते हैं। तो मैंने पेस्ट में बैंगन जो कट किया था वो डाल दिया है। इसे अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ मसाला लग गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे, ये देखिए आप लोग कितना सुंदर हमारा पकौड़ी बनकर तैयार हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से मसाला लग गया है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम लोग एक बार बैगन का निकाल लिए हैं लोग पकौड़ी बना के, अब हम लोग आलू का भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर तैयार है, कुरकुरा एकदम देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, बेसन से नहीं, बेसन का ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है जितना अच्छा चावल एंड चना दाल का पेस्ट तैयार करके हम लोग बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है, पकौड़ी भी एकदम कुरकुर बनता है। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी टेस्टी टेस्टी रेसिपी मिलती रहेंगी। थैंक यू।